हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आलोक गोयल, गोयल इंस्टीट्यूट से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने जेई सीरीज़ चला रखी है, इस बार लेवल 2 यानी 11th के लेवल का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। एनसीईआरटी की मिसलेनियस एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 16 और बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी आती है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट द क्वेश्चन। हाउएवर, मैं दोबारा से एक बार वही चीज़ बोलूँगा कि क्वेश्चन को देखिए, उसको खुद से पहले सॉल्व कीजिए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए कि कैसे प्रोसीड करता है ये क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे हमारे डाउट्स क्लियर करता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हम प्रोबेबिलिटी और सेट्स का यूज़ कैसे होता है वो सीखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट इट। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमारी LHS जो है वो है probability of A union B union C। यहाँ पे हम लिखेंगे let, हम ये जो चीज़ है हमारे पास probability of A union B union C, इसे हम अज्यूम कर लेते हैं B union C is equal to D। अब आप देखिए, ये जो पार्ट है ये सेट्स का पार्ट है। अच्छा, इसी में कन्फ्यूजन आती है कि कौन सा सेट्स का पार्ट बन जाता है और कौन सा प्रोबेबिलिटी और कब कैसे यूज़ करना है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। और अब आप देखिए कि अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा से लिखना चाहूँ इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी तो ए यूनियन डी हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। आई होप ये फार्मूला सबको आता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप NCERT में इस फार्मूले को चेक कर सकते हैं। और अब इस सेट को अगर मुझे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखना हो तो मैं ये लिखूँगा B यूनियन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ D। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। हमें ये बात याद रखनी है कि डी एक नया एलिमेंट है और जितना भी हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव है उसमें कहीं भी डी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डी कहीं भी नहीं है, इसलिए हमें इसका भी ए इंटरसेक्शन डी को भी देखना पड़ेगा। अब चलिए सेट्स का सहारा लेते हैं और ए इंटरसेक्शन डी जो है इसको देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ए इंटरसेक्शन डी, जिसे मैं दोबारा से लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन, और डी को हमने अज्यूम किया था बी यूनियन सी। अब यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी विच इज अगेन इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन डी के बराबर ही तो है ये। अब इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं इसे प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, और इसको कैसे लिख सकता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सारा कुछ लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए, इसे जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम एक्स मान लें और ए इंटरसेक्शन सी को अगर हम वाई मान लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई हो जाएगा, जिसका कि हमें फॉर्मूला पता है जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। इस पूरे को अब हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस probability of A intersection B intersection A intersection C, और इसे हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। एक बात मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे क्लोज और ओपन ब्रैकेट्स का कोई सीन नहीं है, इसलिए आप घबराइएगा मत, ये जस्ट ब्रैकेट्स लिखी गई हैं। अब अगर हम इस पूरे को सॉल्व करें और हमें सेट्स आता है
तो हम ये लिख सकते हैं probability of A intersection B plus probability of A intersection C minus probability of A intersection B intersection C। इस पूरे को सॉल्व करके ये आता है A intersection B intersection A intersection C is equal to A intersection B intersection C। सेट्स का कॉन्सेप्ट। अब अगर आप ध्यान दें तो हमें सॉल्व करना है probability of A union B यूनियन सी, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और आप देखेंगे इसको हमने डी अज्यूम किया था, इसका मतलब चाहे मैं इसको सॉल्व कर लूँ या इसको सॉल्व कर लूँ बात एक ही है। तो चलिए देखते हैं ए यूनियन डी, यहाँ पे इसको इक्वेशन वन दे देते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमारे पास है ही है एज इट इज, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ढूंढनी है। चलिए चलते हैं पिछले पेज पर। ये देखिए मैंने ये लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, इसको इक्वेशन टू दे लेते हैं और इसको हम अपने फाइनल आंसर पे नोट करते हैं, यानी बी यूनियन सी है। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, डी आ गया, अब ये जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी ये बचा है, ये लिख ले। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी हमने क्या ढूंढा है, ये जिसे मैंने सर्कल किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इम्पॉर्टेंट है ये वाला माइनस मत भूलिएगा, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं और हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए कितने आराम से ये हो गया है। आई होप ये आपको समझ भी आया होगा। इन केस कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए या मुझे ईमेल कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।